वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन माइल विद अमोल। और आज हम हैं औरंगाबाद में, काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है जो कि सिटी ऑफ गेट्स के नाम से भी जानी जाती है। तो आज हम जा रहे हैं दक्कन का ताज बीबी का मकबरा एक्सप्लोर करने। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं नगर नाका पॉइंट, जो कि पुणे औरंगाबाद हाईवे पे पड़ता है। और अभी हम यहां से जाएंगे ये नगर नाका पॉइंट और हम जाएंगे कैंटोनमेंट एरिया से होते हुए मकबरा की तरफ। तो चलिए मिलते हैं रास्ते में। और फिर हम चले गए थे थोड़ा सा ऑफ बीट रोड्स पे, थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए। एनवायरनमेंट का काफ़ी अच्छा लग रहा था, मस्त प्लेस थी, काफ़ी सुकून था। तो वेलकम बैक गाइज, अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं और आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन औरंगाबाद। काफ़ी ट्रैवलर्स, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं। तो चलिए आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। चलिए अब हम टिकट निकालते हैं और अंदर जाते हैं। मैं बाकी आपको इन्फॉर्मेशन बाद में देता हूँ। तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा। ये जो बीबी का मकबरा है, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है ताजमहल का, जो आगरा में है, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये बनाया गया था मुगल एम्परर औरंगजेब ने अपनी बेगम की यादों में, जिनका नाम था दिलारस बानो बेगम। सो गाइस चलिए अभी देखते हैं कैसा दिखता है दक्कन का ताज बीबी का मकबरा, लेट्स गो। गाइज ये बनाया गया था 1660 में। तो काफ़ी इसका जो सराउंडिंग एरिया है काफ़ी मस्त है, बहुत वेल मेंटेन किया है, इतना मस्त लग रहा है। वेदर भी काफ़ी खूबसूरत है और बस ताज है और प्यार है, तो ज़िंदगी में और चाहिए क्या। चलिए
सो गाइज अभी हम आ गए हैं अंदर जाने से पहले, थक गए हैं इसलिए थोड़ा सा रुके हैं, आराम कर रहे हैं, जाएंगे एक 5 मिनट में, दिखाते आपको अंदर से कैसा दिखता है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है नजारा, चलिए। सो गाइज आप देख सकते हो काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये जो मार्बल यूज किया गया है इसे बनाने के लिए वो जयपुर से लाया गया था उस जमाने में। तो देखते हैं अंदर से इसका आर्किटेक्चर वर्क, आप देख सकते हैं 360 साल बाद भी ये जैसा का वैसा ही है। और अंदर हम अभी जाएंगे, चलो देखते हैं अंदर से। तो गाइज अंदर का नज़ारा देखने के बाद अभी चलते हैं हम बैक साइड में और देखते हैं कैसा दिखता है मकबरा। उस समय का ये मॉस्क हुआ करता था। ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये आप मीनार देख सकते हैं। रिश्तों को वक्त दो यार, ताजमहल ना दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। तो गाइस ये था बीवी का मकबरा, दक्कन का ताज। आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और कुछ माइल्स हमारे साथ ऐसे बने रहिए हमारे चैनल पे 1 माइल विद अमोल। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।